But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन तब धीमे धीमे मुझे एक बात पता चली और वो बात ये थी कि सिर्फ मेरी ही आजादी छीनी नहीं गई है अपितु मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स जो हैं उनको भी आजादी नहीं दी गई है. आई सॉ दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, कि सिर्फ मेरी आजादी को ही कर्टेल नहीं किया गया है, बंधित नहीं किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, इसके अपितु जो आजादी है सभी की, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखते हैं उन सभी की आजादी को भी क्या किया गया है, बाध्य कर दिया गया है ना. दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज व्हेन आई जॉइन, ये तब की बात है जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और तब जाकर के जो मेरी खुद की आजादी के लिए जो भूख थी मेरे मन में, वो एक बहुत विशालकाय भूख बन गई आजादी के लिए. और वो जो आजादी थी, जो भूख थी आजादी की, वो मुझे मेरे मन में मेरे लोगों के लिए थी. इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये जो इच्छा थी, ये आजादी की इच्छा मेरे अपने लोगों के लिए थी, टू लिव दियर लाइफ विद डिग्निटी, ताकि वो भी अपनी जिंदगी एक सम्मान के साथ जी सके, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्म सम्मान के साथ में. दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी जिंदगी को क्या कर दिया, एनिमेटेड, यानी कि एक तरीके से खुशहाली टाइप में जो है बना दिया, खुशहाल बना दिया. दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इसी भावना ने एक डरे हुए यंग लड़के को एक बोल्ड वन, बोल्ड होता है जो बहुत बेबाकी से बोलता है, तो इस टाइप का लड़का बना दिया. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. और इसी भावना ने क्या किया, जो law-abiding attorney था, law को मानने वाला एक वकील था, उसको एक criminal बना दिया. That turned a family-loving husband into a man without a home. और इसी भावना ने क्या कर दिया, एक परिवार को family-loving husband, परिवार को प्रेम करने वाले जो पति होता है, उसे एक ऐसा आदमी बना दिया मानो कि वो homeless हो, जिसका कोई घर ना हो. That forced a life-loving man into man to live like a monk. और इसी भावना ने एक जिंदगी को जीने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति से किस में बदल दिया, monk में, एक साधु में बदल दिया. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed. I am no more virtuous. मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और इतना स्वयं का त्याग करने वाला भी नहीं हूँ देन द नेक्स्ट वन, जो आने वाले लोग हैं उनकी तुलना में. बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया दैट कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय, कि मैं तो आनंद भी प्राप्त नहीं कर सकता द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, उस कम और सीमित जो आजादी मिली हुई है उसकी. आई वॉज अलाउड, मेरे को सिर्फ अनुमति दी गई. When I knew, जब मैंने जाना my people were not free, कब, जब मैंने जाना कि मेरे लोग जो है वो आजाद नहीं है. Freedom is indivisible, आजादी जो होती है वो अभाज्य होती है, यानी कि इसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते. The chains on anyone of my people were the chains on all of them. यदि कोई एक व्यक्ति दासता में है, बंधा हुआ है, तो वो चेन जो है, वो दास्ता जो है, वो मेरे सभी लोगों पे है. यानी किसी एक पे भी अगर गुलामी है, आजादी नहीं है, तो वो किसी एक को नहीं, अभी तो वो सबको ही नहीं है. द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और अगर मेरे सभी लोगों, मेरे सेम कास्ट रेस के सभी लोगों के पे अगर चेन है, वो सब बंधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी बंधा हुआ हूँ. आई न्यू, मैं जानता था दैट की द ऑपरेटर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति है उसे भी आजादी दी जानी चाहिए. जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो उत्पीड़न सह रहा है उसकी बात ही, यानी कि दो व्यक्ति होते हैं, एक उत्पीड़न कर रहा है और एक सह रहा है. तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो आजादी है वो उत्पीड़न करने वाले को भी मिलनी चाहिए और उत्पीड़न सहने वाले को भी मिलनी चाहिए. अ मैन हु टेक्स अवे
अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति की आजादी छीन रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी घृणा की जेल में बंद है, वो भी घृणा में फंसा हुआ है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वह व्यक्ति अवश्य रूप से प्रिजुडिस पूर्वाग्रह में फंसा हुआ है एंड नैरो माइंडेडनेस और उसकी जो सोच है बहुत संकीर्ण है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं कंप्लीट पूरी तरीके से आजाद नहीं हूँ। कब? इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी और की आजादी छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, मैं भी ठीक उसी प्रकार से आजाद नहीं हूँ जिस प्रकार से मेरी आजादी ली जाने के बाद में मैं नहीं होता हूँ। यानी कुल मिला के इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि आजादी अगर किसी की मैं ले रहा हूं तो मैं खुद भी आजाद नहीं हूं, मैं भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी नैरो माइंडेडनेस में या प्रिजुडिस में फंसा हुआ हूं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉक ऑफ क्लियर ह्यूमैनिटी। जो ऑप्रेस पर्सन होता है और जो ऑप्रेसर है यानी जो उत्पीड़क है और उत्पीड़क है वो सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। आर रॉक ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, इन दोनों की मानवता को क्या कर दिया जाता है, लूट लिया जाता है। तो इस तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।